तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख लो सारे लोग पहुँच गए अभी और ये पूरा ग्रुप है। तो चलिए दोस्तों अब अंतिम पड़ाव बचा है और यहाँ से बिल्कुल पास ही में है जहाँ पे हम सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर सी लोकेशन से। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी आपको आज बिल्कुल लोकेशन चेंज दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज सुबह सुबह हम निकल पड़े एक वैसे तो जो आज का हमारा सफर था वो सुबह 2 बजे से स्टार्ट हो गया था, यानी सुबह 2 बजे हम घर से निकल गए थे और 2:30 बजे हम पहुँचे भविष्य बद्री मंदिर। वहाँ से दर्शन करके और सीधे रास्ते में आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि पूरा रास्ते पर अंधेरा था, तो अभी उजाला हो चुका है और सीधे आपको हिमालय की गोद से यहाँ दीदार करा रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं आपका सस्पेंस दूर करा देता हूँ कि हम कहाँ आए हैं और आपको बता दूँ हम एक महीने के लिए, जो मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक महीने के लिए कई बुग्यालों में जाते हैं, तो वो बुग्याल यही है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। आज तो केवल सामान रखने जा रहे हैं, 15-20 किलो वजन था पेट पे, तो उसको लेकर सीधे ऊपर अपने डेरे तक और वहाँ भी दिखाएंगे आपको पूरा। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम एक महीने के लिए किस जगह पे दिन काटते हैं, यानी किस जगह पे उस दिव्य जड़ी को ढूंढने के लिए आते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो मैं सुबह सुबह जो आपको अपनी छत से जो पहाड़ियाँ दिखाता हूँ जो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, तो बिल्कुल वहाँ आज हमको जाना है और फिलहाल वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर नीचे हैं और ये रहा वो जो गाँव से आपको रोज़ दिखाता हूँ ये वाली पहाड़ी है वो, तो यहाँ चलना है हमें अभी अभी लगभग 2-3 किलोमीटर और चलना है क्योंकि घर से इतने जल्दी निकल गए थे तो आज मतलब ज़्यादा थकान भी नहीं लगी। पहला दिन है और अभी सारे लोग पीछे आ रहे हैं, सारे लोगों से आपको मिलाते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख लो सारे लोग पहुँच गए अभी और ये पूरा ग्रुप है और ये हमारे विधायक जी हैं, बाकी ये देख लो सारे। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता करने का टाइम भी हो चुका है क्योंकि रास्ते में सारे लोग थक चुके हैं और अभी नाश्ता कर रहे हैं। इनको नहीं लगी भूख तो इधर वालों को सारे भूख लगी ना भूख, खाना फिर चढ़ाई चढ़ेंगे, पहले भोजन फिर भजन क्यों। तो दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है और तो अभी फिर से हमने तो नहीं खाया, तुमने नहीं खाया कोई बात नहीं, फिर से हम निकल पड़े हैं अपने इस चढ़ाई में और यहाँ से 2-3 किलोमीटर और है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यहाँ देख लो सीधे जहाँ धूप दिख रही है उससे ऊपर जाना है, तो फटाफट निकलते हैं और वहाँ जाके पहले सबसे पहले आराम होगा फिर उस दिव्य जड़ी के दर्शन आपको आज कराएंगे जिसके लिए इतना बोझा लेके आ रहे हैं, पीठ पे इतना बोझा है। चलिए दोस्तों सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं और अभी भी पहुंचे नहीं है, कोई नहीं 5-10 मिनट पहले बात सॉरी पहुंच जाएंगे और ये आज इतनी जल्दी कभी नहीं पहुंचा आज तक, सारे रास्ते पर बैठते बैठते जा रहे क्या कर रहा था? और आज तक का सबसे जल्दी पहुंचने वाला टाइम है ये, एकल नंबर टूर लाए मैंने उसी से जल्दी पहुंच गई। चलो बस थोड़ा और बचा है, 10 मिनट 10 मिनट और है फिर
पहुंचने वाले हैं। पीछे वाले तो 20 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों ये आए थे दूसरे रास्ते से और ये अभी पहुंच रहे हैं। इनको हम कितने रास्ते पर रुकते रुकते आ रहे हैं। कौन कौन आए तुम हैं? कौन कौन आए? मैं, खत्री जी, सचिन, हाँ, भाई, गणी जी। सुन चलो जी, अभी टोली और बड़ी हो गई है। नवीन भाई और भी आ गए, लगा लो 5 लोग ये भी है और 13 लोग हम पहले से थे, यानी टोटल हो गया है 18 लोग। और ऊपर जहाँ पे हमारा डेरा है वहाँ पे सारे लोग मिलने वाले हैं, तो वहीं पे दिखाएंगे आपको सारे लोग। तो चलिए दोस्तों, अब अंतिम पड़ाव बचा है और यहाँ से बिल्कुल पास ही में है जहाँ पे हमको रुकना है। तो थोड़ा देर और इंतज़ार लगा लो, 10 मिनट, और आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने टेंट वगैरह लगाए हैं और इस ग्लेशियर को पार करते हुए जाएंगे। और इस ग्लेशियर को पार करते हुए देख लो, और बहुत लंबा ग्लेशियर है, अगर कोई यहाँ से फिसल गया ना सीधे नीचे, तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलना है इसमें। यहाँ देख लो, हेलो गाइस, यहाँ जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे ना केवल बर्फ ही बर्फ नज़र आएगा, बर्फ और ग्लेशियर। यहाँ देख लो पूरे हिमालय। तो फाइनली दोस्तों हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और पहुँच चुके हैं अपने डेरे पे। तो ये सामने रहे और कुछ टेंट यहाँ लगे हैं, कुछ बाकी पीछे रहे वो सामने, और हमारा टेंट उधर पीछे है, तो वहीं ले चलते हैं आपको पहले। तो दोस्तों यहाँ होता है हमारा टेंट स्टार्ट, यहाँ पे रहा सोनू भाई का, ये दूसरे खत्री भाई का, और ये वाला हमारा बगल पे चाचा जी औरों का, उसके बगल पे नवीन औरों का, उसके ऊपर से वीरू भाई औरों का, वहाँ पे मुख्य भाई औरों का, और लास्ट पवन औरों का। तो फाइनली दोस्तों जैसे तैसे पहुँच ही गए हैं, टाइम भी 7 बज चुके हैं और थोड़ा देर है 7, और अभी थोड़ा देर आराम करते हैं और उसके बाद जो भी काम होगा लकड़ी वगैरह वो करेंगे, और आज वैसे भी थोड़ी देर यहाँ रहेंगे, उसके बाद वापसी घर ही जाना है। और सामने देख लो ये वाली पहाड़ियाँ, आपको जो मेरी वीडियो में नीचे से छत से दिखाता हूँ ये वही पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं पहाड़ियों में कुछ दिन बाद ये पिघल जाएंगे ना, उसके बाद वो जड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों अभी निकल चुका हूँ मैं उस जगह पे जहाँ आज आपको उस दिव्य जड़ी के दर्शन करवाने हैं, देखते हैं आज मिलता कि नहीं मिलता, क्योंकि अभी इतनी जगह खाली हुई नहीं है जिन जगहों पे वो जड़ियाँ मिलती है, और क्योंकि ये साइड है इधर भी बर्फ ही बर्फ है, और इस साइड भी देख लो पूरा बर्फ है पिछले साल तक, अभी ये पूरा पिघल चुका था। और देखते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने की, अगर मिल गए तो अच्छी बात है और आपको भी दर्शन हो जाएंगे, अगर मिल गया तो वाली बात है, फिक्स नहीं है मिलेगा या ना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है मुझे जड़ी ढूंढते हुए, लेकिन एक भी जड़ी नहीं मिली, क्योंकि जिन जगह जड़ी होती है उन जगह पूरा बर्फ है, और जिन जगह खाली भी हुआ है तो पूरा नीचे गीला हो रखा है, जिस कारण अभी जड़ी हुई नहीं ठीक से। बाकी आज तो आपको उस दिव्य जड़ी के दर्शन करा नहीं पाया, टाइम मिलेगा तो फिर कभी करा देंगे, क्योंकि 1-1.5 महीना हमने जंगल रहना है तो हो ही जाएगा दर्शन वगैरह। बाकी यहाँ देख लो पूरा ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर से होके उस दूसरी तरफ है हमारे जो टेंट वगैरह लगे हैं, वहाँ चलते हैं। सुबह उस टाइम तो केवल 1 रोटी खाई थी क्योंकि रास्ते में भूख लगी थी, तो अब चलते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं। बाकी लोग जो जिन्होंने टेंट वगैरह लगाए नहीं हैं वो टेंट लगा रहे हैं, तो हम कर लेते हैं फटाफट नाश्ता।